तो इतना सफेद झूठ, इतना सरासर झूठ, इस प्रकार का झूठ कि आरसीपी सिंह को बिना पूछे बना दिया गया। अगर बिना पूछे बना दिया गया तो आखिर डेढ़ साल तक वो कैसे केंद्र की सरकार में मंत्री बने रहे? आप तो इतने ताकतवर थे कि एक दिन में उनको हटवा सकते थे, उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना मोहम्मद तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते? तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, क्या मजाक है, सही बात क्या है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है, आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे, राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति वाला एकदम बोगस बात, हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया और वही तो वेट कर रहे थे, जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं, अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं, तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए अच्छा ही है, उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं कहना, कुछ उनको जगह मिल जाए, पार्टी से तो सब कुछ जगह दिया जी, अब पहले हुआ करते थे।